आपको लगता है कि आपका कंपटीशन किसी और के साथ नहीं, नहीं ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इतने अच्छे एक्टर, इतने मतलब इतने कॉमेडियन आ गए हैं भी, आपको एक मतलब कितने हैं भी, आप अभी तो ये हो गया भी, अगर आपकी डेट्स नहीं है तो नेक्स्ट खड़ा है। और सबसे बड़ी है कि कंपटीशन, जो आपने बात पूछ कही ना भी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अभी। आपको अपना जो स्टेब्लिश एक्टर हैं उनको अपना स्थान बनाने के लिए उनकी और मेहनत बढ़ गई है। तो कॉमेडियन का ये तो बहुत बहुत कॉमेडियन है, अच्छे अच्छे कॉमेडियन है और आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। काम तो, और काम भी बहुत ज़्यादा है, इतने इतने चैनल हो गए हैं, इतने सीरियल बनते हैं, और आजकल तो स्टूडियो की डेट नहीं मिलती, पहले तो एक्टरों की डेट नहीं मिलती थी, आजकल स्टूडियो की, स्टूडियो खाली नहीं मिलता है, इतने सीरियल बन रहे हैं। कुछ भी नहीं होता, मैं एक्टर ही होता, मेरे को कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता इसके अलावा, कोई कहे ना भी ये कर ले, मेरे को कोई काम नहीं आता, सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग ही आती है। और मैं चाहता हूँ कि जब तक हूँ मैं एक्टिंग ही करता रहूँ, बस लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे, है ना। कभी सर आपको ऐसा लगा नहीं कि घर से आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप कोई जॉब अच्छा करिए, वो करिए, क्योंकि हर फैमिली में होता है कि जॉब करना है। हाँ पहले करते थे, आप थोड़ी बोलेंगे यार, अब तो स्टैब्लिश हो चुका हूँ, मैं लोग सर तब की इतने। मैं बात कर रहा हाँ हूँ। तब की हमारा लोग, वही मैं जिक्र कर चुका ना, लोग कहते थे यार कोई और बिजनेस कर लो यार, घर वाले तो मेरे को बिजनेस में डालना चाहते थे, पर यहाँ भी लोग कह रहे थे यार एक्टिंग उक्टिंग में तुम्हारा कुछ नहीं हुआ यार, छोटा सा कद है तेरा यार, हैं चल कौन लेगा तुम्हें फिल्मों में, और ये सब है पंजाबी इतना एक्सेंट आता तुम्हारी, हिंदी जब बोलते हो दूर से पहचाना जाते हो, कहाँ तुम हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने मेरे को ऐसे भी, नहीं तुम नहीं एक्टर बन सकते, तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं है, तुम्हारी हाइट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई भी एक खूबसूरत चेहरा भी होना चाहिए फिल्मों में काम करने के लिए, लेकिन नहीं, बात वही आ जाती है बॉस, टैलेंट, टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके अंदर टैलेंट है ना, आपको लोग पताल से भी निकाल लाएंगे। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये सर जानना चाहेंगे आपके हिसाब से 5 बेस्ट कॉमेडियन कौन है और 5 वर्स्ट कॉमेडियन नहीं वस्त तो नहीं बोलूंगा यार मैं यार, कहते ये तो गलत बात है, हैं। थोड़ा वस्त सा नहीं है, कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं मतलब। कंट्रोवर्सी यार, प्लीज ऐसे मत और करो आपके यार। जो फैन है, जी जिसके सर, आप उसके फैन फैन थे। पहले इनका सवाल का जवाब दे दूं मैं, बेस्ट कॉमेडियंस, यार मैं किस, सब नाराज हो जाएंगे यार मेरे साथ, वगैरह ऐसे में एक का नाम सर लूंगा, इसलिए बोला आपके लिए बड़ा कठिन डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉरी है। यार, ऑल मैं तो सबका फैन हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन नंबर वन कादर खान, परेश रावल, जॉनी लीवर, तीन हो गए, चल दो रह गए, कपिल शर्मा भी बहुत अच्छे हैं, सुनील ग्रोवर, बाकी कीकू शारदा मेरे दोस्त सब है, लेकिन जो ये एक किनसे आप नाराज होते हैं? मैं नहीं कहूँ आपको यार, ऐसा नहीं लगता है कोई कि ये मतलब रोल के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं या अच्छी कॉमेडी नहीं हाँ कर पा रहे तो मैं नाम उनके नहीं लिए लेना चाहूँ, कोई मैं नहीं? उनके खिलाफ हूँ जो वल्गैरिटी पे अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, डबल मीनिंग करना चाहते हैं, वो मेरे को पसंद नहीं है। हैं ऐसे काफ़ी हैं, करते हैं, लेकिन काम वो करो जो आप फैमिली में बैठ के देख सको, कर सको।